दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो SBI ऐप से चेक बुक कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो सबसे पहले चेक बुक लेने के लिए आप जो है अपना योनो SBI ऐप्स जो है ओपन कर लीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे चलिए लॉगिन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो आप चाहे तो एमपिन से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और यूज़र आईडी और पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जो है ये 3 लाइन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे है चेक। तो यहां पे आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देखिए लोन है, अकाउंट है, ATM डेबिट कार्ड है, उसके बाद यहां पे टैक्स है, इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद चेक है। तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट चेक बुक, उसके बाद इंक्वायरी स्टॉप चेक बुक। तो यहाँ पे आप जो है बहुत सारे ऑप्शन का यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको रिक्वेस्ट कैसे करते हैं यानी कि अप्लाई कैसे करते हैं चेक बुक के लिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट चेक बुक पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको जो है अपना अकाउंट जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपके पास एक से अधिक अकाउंट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपने अनुसार जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरे स्थान पर कि आप जो है कितने पेज का मंगाना चाहते हैं चेक बुक। तो चलिए हम यहाँ पर 10 पेज का मंगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन है। तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, एक लिंक मिलेगा। तो यहां पे आप क्लिक करके आप अपना चेक बुक का कितना रुपया आपको लगेगा और कितना GST लगेगा चेक मंगाने के लिए, तो आप यहां पे देख सकते हैं अगर आप 10 पेज का चेक बुक मंगाते हैं तो आपको 40 रुपया लगेगा और इतना GST लगेगा। अगर आप यहां पे जो है 25 पेज का मंगाना चाहते हैं तो 75 रुपया आपको लगेगा। तो फिलहाल चलिए हम यहाँ पे, और भी यहाँ पे सारा कुछ रेट दिया गया है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट डिलीवरी एड्रेस। तो आप किस एड्रेस पर आप मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर एड्रेस यानी कि आपके अकाउंट में जो भी एड्रेस है अगर आप उस पर मंगाना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप पहले चेकबुक मंगाए थे और उसी एड्रेस पे आप मंगाना चाहते हैं चेकबुक तो यहाँ पे लास्ट डिस्पैच एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप न्यू एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं आप अपना चेकबुक तो यहाँ पे आप न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे। तो आप अपना अनुसार से जो है आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट अपना एड्रेस को फिल कर लेंगे। देने के बाद आप यहाँ पर चाहे तो बैक भी जा सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए आप अच्छी तरीके से यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए सारा कुछ डिटेल, उसके बाद एड्रेस आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप जो है कन्फर्म पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो योर चेक बुक रिक्वेस्ट विथ रेफरेंस नंबर, तो आप यहीं से जो है रेफरेंस नंबर के द्वारा भी चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका चेक बुक अप्लाई हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा।